कि बैट से संपर्क नहीं हुआ है, वो स्कूप करना चाहते थे लेकिन बिल्कुल सीधे उठकर खड़े हो गए, उनका सर आसमान की ओर हो गया था, उनका बैट आसमान की ओर हो गया था और वो स्कूप खेलने के लिए, आप उसको कहें डगलस मैरिलियर स्ट्रोक खेलने की किसी भी तरीके की स्थिति में, पोजीशन में अपने आप को नहीं पा रहे थे और एक आसान सा कैच लॉब हो गया, विकेट कीपर वॉल्टन के ग्लव्स में चला गया और भारत एक के बाद एक विकेट खोता चला जा रहा है और वेस्ट इंडीज इस मैच पर अब हावी होता जा रहा है। In the 15th over, rather the 16th over, when Rishabh Pant was able to get a 6 and a 4, one did get a feeling that the Indians will be able to get past the 200 mark, but with the loss of both Rishabh Pant as well as Mahendra Singh Dhoni, we'll have to wait and see whether the Indians will be able to touch the 200 mark, because if you cross the barrier of 200, it will have a psychological pressure on the opposition, but loss of both the important players, tremendous responsibility on Kedar Jadhav now. Will he be able to play the magical innings which he normally is associated with in a T20 encounter, particularly when he plays for his franchise, Royal Challengers Bangalore, way back in India? And Ravindra Jadeja also has got that ability. Taylor on a hat-trick. Vineet, what's going to happen? Taylor hat-trick pe hai. और उनकी ये गेंद और लेग्स को बहुत खूबसूरती के साथ कलाइयों के साथ मोड़ दिया, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट कर जा रहे हैं कुछ देरी के साथ, दो फील्डर हालांकि गेंद की तरफ गए, धीमे धीमे रफ्तार से गए और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा हो गया, ओवर भी समाप्त हो गया, हैट्रिक भी टल गई, हो जाना चाहिए था लेकिन ओवर्स पूरे नहीं किए हैं वेस्ट इंडीज ने। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो आपके लिए क्रिकेट लाता है, बहुत ज्यादा क्रिकेट लाता है, हर समय क्रिकेट लाने का प्रयास करता है, सुनते रहिएगा। इंटरवल में आप पूर्व क्रिकेटर परमिंदर अवाना और वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बनर्जी से प्रश्न कर सकते हैं, हीरो ऑफ 2020 में संचालक होंगे उस कार्यक्रम के धर्ममणि राजेश और अर्चना सिंह। जेरोम टेलर तीन ओवर में उन्होंने दो विकेट अब तक लिए हैं, 23 रन देख, बहुत बढ़िया बॉलिंग चेंजेस बहुत लाजवाब रहे हैं कुल मिलाकर बर्थवाइट के, और विलियम्स को तलब किया जा रहा है जो कि बहुत अच्छे डेथ बॉलर हैं, वो बॉलिंग करेंगे, इस साल सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर हैं और धोनी ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया, कुछ हद तक ये पिच भी जिम्मेदार जरूर है लेकिन उतना नहीं। विलियम्स की ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, कलाइयों का प्रयोग किया, खेला उसको स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए तेजी के साथ पलट कर आ रहे हैं, थोड़ा सा खतरा वहां पर मोड़ लिया था लेकिन दिशा हीन थ्रो सैमुअल्स द्वारा। स्टंप के बाहर की ये गेंद को जब धोनी ने खेलने की कोशिश की थी तो शॉर्ट थर्ड मैन पर दायरे के अंदर गेंद को कैच कर लिया गया था, आड़ा बैट हो गया था और उसके बाद पंत जिस तरह से आउट हुए गेंद को स्कूप करना चाहते थे, सीम की आदर्श पोजीशन थी, अपराइट सीम से हाफ ट्रैकर थी, बॉलर वाले हिस्से में गेंद टपक आ रही थी, काफी ज्यादा बाउंस हो रही थी और स्पर्श करते हुए महीन सा स्पर्श लेती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई थी, काफी देर बाद गेल के पास गेंद गई और हर भारतीय बैट्समैन इसी तरह से हताश और निराश नजर आया है जबकि जाधव सीधे फील्डर के पास खेल बैठे और फायदा नहीं उठा पाए उस गेंद की, गेंद रुक कर आ रही है, ऐसा नहीं है कि इस पिच पर बैटिंग करना इतना आसान है लेकिन अगर शुरुआत में लेंथ और लाइन ना गड़बड़ाती वेस्ट इंडीज की तो न मालूम क्या होता भारतीय पारी का। बद्री चार ओवर 9 डॉट बॉल 31 रन, टेलर तीन ओवर में 23 रन देकर दो खिलाड़ी, विलियम्स का तीसरा ओवर है 25 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने अब तक आउट किया है। विलियम्स की गेंद जडेजा को, बाएं हाथ के बैट्समैन क्रीज के कोने से एक धीमी गेंद थी, मिडिल स्टंप पर घुमाया है, फील्डर को अपनी दाईं तरफ रास्ता तय करना है, पैर से फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे रन के बारे में भारतीय खिलाड़ी सोच रहे थे लेकिन थोड़ी सी अंतिम समय में जो रिकवरी दिखाई उसकी वजह से केवल एक रन, पशुपेश में भारतीय खिलाड़ी कि अब क्या करें, सोचने की कोई ज्यादा बात नहीं है, हर गेंद पे स्ट्रोक लेना है और भरपूर स्ट्रोक लेना है, पिच चाहे कैसी भी क्यों ना हो लेकिन ये रन 162 पांच विकेट पर जबकि ये 18वां ओवर चल रहा है, तीन गेंदें शेष हैं, इस औसत से रन बनाएंगे तो 185 तक ही भारत पहुंच पाएगा। विलियम्स की अगली गेंद शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आ गए, ड्राइव किया, फिर से टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, सीधे फील्डर के पास गेंद जा रही है, एक एक रन से वेस्ट इंडीज को कोई परेशानी नहीं है। सवेना पार्क में आमतौर पर ज्यादा रनों की उम्मीद की जाती है लेकिन इस पिच पे रन बने नहीं है और फिर भारत ने जब विकेट खोया
जब कभी भी विकेट खोया तो दूसरा विकेट भी तुरंत खो दिया। ये क्लस्टर में विकेट गिरते रहे हैं। ऑफ साइड में देखें, शॉर्ट थर्ड मैन दायरे के अंदर, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट, दोनों के बीच में मुश्किल से 20 गज का फासला है। एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर नजर आ रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर फिर ये गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, उसको घूमकर खेलने की कोशिश की, फिर एक रन ही मिलेगा। अंकुश लगा दिया है। भारतीय बैट्समैन इस समय पूरे दबाव में नजर आ रहे हैं और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पा रहे हैं। बैट से लगने के बाद गेंद सीधी फील्डर्स के पास भी जा रही है। अब तक पहली गेंद पे 2 रन और उसके बाद 4 सिंगल्स लिए हैं इस 18वें ओवर में भारतीय बैट्समैन ने। जडेजा 4, जाधव 4 और भारत 164 रन 5 विकेट पर। टॉस आज वेस्ट इंडीज ने जीता था। विलियम्स की गेंद जाधव को, अंतिम गेंद 18वें ओवर की, क्रीज के कोने से ये गेंद, एंगल डिलीवरी, अंतिम समय में अपने स्ट्रोक को चेक किया, वहां पर फील्डर मौजूद थी, कलाबाजी खाते हुए उन्होंने उसको कैच किया। वहां पे सुनील नारायण ने क्या सुंदर पूर्व अनुमान लगाया। आगे आना था, 4-5 कदम का रास्ता तय करना था, नीचे गिर गए थे, संतुलन बनाए रखा, हाथों को आगे बढ़ाया, गेंद को कैच कर लिया और स्क्रैम्बल्ड सीम से ये जो गेंद थी कमर की ऊंचाई तक आ रही थी और केदार उसको बिल्कुल सही तरह से टाइम नहीं कर पाए, अनमने अधूरे मन से उसको खेल रहे थे और नीचे कलाबाजी खाते हुए, गुलाटी खाते हुए केदार यादव कॉट सुनील नारायण गोल्ड विलियम्स। 4 गेंदों पर 4 रन और इसके साथ ही 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर भारत का 6ठा विकेट गिर गया। आइए Just when things were looking rosy for India in the 16th over, Indians, as Vinit was telling, have lost wickets in a heap. They lost 2 wickets in the 6th over and after crossing the 150 barrier, have lost 4 wickets. Well, for the information of our listeners, the entertainment as well as rather the infotainment on cricket will continue after the Indian innings culminates. Do not forget to tune in to listen to the program Hero of 2020 with our experts Parvinder Awana and Rahul Banerjee. Of course, the program will be moderated by Dharmendra Mani Rajesh and Archana Singh. So stay tuned and you can predict by talking with our experts the Hero of 2020. Ravichandran Ashwin comes into the middle, 164 for 6. Kedar Jadhav, the last man to be dismissed. So the West Indies have been bowling well in the death, thanks to some fine batting in the beginning by Virat Kohli and Shikhar Dhawan. Indians are heading towards a respectable total, but will that be enough will be the question, as a single has been taken of the first ball from Ravichandran Ashwin. Jadeja on 4 of 3. Taylor 2 for 24, conceded 13 runs of his first over, and thereafter in the next 2 overs just conceded 10 runs, picked up 2 wickets. And Williams again has been once again instrumental in getting the wicket of dangerous Kedar Jadhav. A fine catch taken by Sunil Narine, making no mistake in this bowling region. Ashwin, चेहरे से अगर आप देखें काफी तनावग्रस्त नजर आ रहे हैं। Will the Indians be able to contain the world champions? Last 19 balls, the run rate has been pretty bad, and in all probability the Indians will get some extras. We'll have to wait for the umpire signal, signaling wide, and the batsman did cross over. So 2 bonus runs for India, 167 for 6. The Indians will take it. Taylor bowling is finally over, straying down on the onside, bowling to the left-hander Jadeja. The wicketkeeper Walton, diving full length to his right, was not able to stop that, and in the bargain conceding his single. Ravichandran Ashwin now to take strike, playing in his 46th match, has highest has been 31, and from the way things are happening will not be able to surmount his best score of 31, looks like, because just about 11 deliveries left until and unless Ravichandran Ashwin plays an innings which Brathwaite played in the World Cup final against England. Pick up a couple of sixes. Indians now require sixes, not just boundaries. Boundaries have dried up after the 16th over. In the 17th and the 18th, the Indians lost wickets. And the Taylor now adjusting his field. The West Indian team, a champion T20 side, know fully well that the last 4 overs will be pretty crucial in the context of the match. Jerome Taylor looking for his 3rd wicket. Bowling is final over. Fire outside the off stump. Ashwin played an unorthodox stroke. Wanted to play it on the onside at the last moment. Checks his stroke. Guides the ball towards the squarish third man region. Picks up only a single. Jerome Taylor, Jamaica ke hi hai. Apne hi backyard mein, apne hi
घर के दर्शकों के सामने खेल रहे हैं और अचानक स्विंगिंग यॉर्कर्स कर रहे हैं जो कि डेथ ओवर्स में बहुत कारगर साबित होती है. The Indian Pacers, Mohammad Shami and Bhuvaneshwar Kumar will probably take a cue, but it would be pretty important for India to contain Chris Gayle because at one stage the Indians were looking to score more than 200, but at this stage will they be able to score at least 20 runs more from here on will be the question, as only a single the West Indians won't mind conceding ones or twos of each delivery. 169/6, the run rate healthy from a T20 perspective, 9.14. But the way the Indians started with 13 runs per over, one did get a feeling when the innings culminates, the Indians would probably cross the 200 barrier rather easily. But the West Indies team having other minds, other things in their mind, as after the 16th over, fighting tooth and nail, both Jerome Taylor and Williams, helping the West Indies team to come back strongly in this encounter. Ravichandran Ashwin waits for the next one from Jerome Taylor, converts it into a full toss, but will not be able to take advantage of that. All he manages to do is to play towards the long on region, picks up a single, so runs coming in just once. 170/6. If you remember the strong West Indian team, Chris Gayle is there, Lewis a strong player, wicketkeeper Walton, Samuels, all big hitters, Kyron Pollard, Powell, Brathwaite. So will this total be enough? Since the last 3.2 overs, the Indians have not been able to score a boundary. The boundaries used to flow in the first 5 overs or so, but in the last 5 overs, pretty important from a T20 perspective, the Indians have been found wanting, understandably so, because they lost wickets in a heap, 4 wickets to be precise, and thereafter, responsibility lying on the shoulders of Jadeja and Ravichandran Ashwin. After the culmination of the Indian innings, do not forget to listen to the program Hero of 2020 with our experts Parvinder Awana, Rahul Banerjee, with the moderators Dharmendra Mani Rajesh and Archana Singh. But at the moment, Taylor bowling his 5th delivery of his final over. The innings 19th over leaves all 3 sums looking for that elusive gap, will not be able to get the second run. The West Indies fielding, ground fielding in particular, has been spot on, not allowing the Indians to take any extra advantage, barring one occasion where Jadeja and Jadhav converted a single into 2. The West Indians have been pretty circumspect in the field. And the last ball of the 19th over, 9.08, the current run rate for India. Will they be able to get a big 20th over is the question in the mind of every ardent Indian fan. Jadeja 6 of 5, Ravichandran Ashwin 3 of 3. Will he get a boundary for India of the last ball of Taylor's figures? 2 for 30. Predetermined stroke, but will not be able to get a boundary. Helps himself with a single. So Taylor finishes off well, conceding 13 runs of the first over, and in the last 3 overs which Taylor bowled, conceding just 18 runs, and in the bargain was on the verge of a hat-trick. 2 wickets off 2 consecutive deliveries. Good comeback by the West Indies. बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है कप्तान ब्रथवाइट ने. विलियम्स के पास अभी भी ओवर शेष है, वही उस ओवर से बॉलिंग कर रहे हैं और शायद वही अंतिम ओवर करेंगे. उनका इकोनॉमी अगर आप देखें तो 6.04 खासा अच्छा है और वो सही बॉलर हैं अंतिम ओवर करने के. रविचंद्रन अश्विन एंड जडेजा will have to at least get a ton plus over on this occasion. At one stage when Rishabh Pant got a 6 and a boundary, one did get a feeling that the Indians would cross 200 rather easily, but after losing Dhoni and Rishabh Pant of successive deliveries, Kedar Jadhav was not able to get into his elements today. Good bowling by the West Indies. 172/6, last 6 balls of the Indian innings. Williams managing once again, playing it towards the mid-off region, playing it with a cross bat will not help. Ravichandran Ashwin still looking for that elusive boundary which the Indians have not been able to score after the departure of Pant. ये विकेट बैटिंग करने के लिए इतना आसान तो निश्चित ही नहीं है, लेकिन जब एक मामूली सा लक्ष्य सामने होगा तो नियंत्रित पारी खेल सकता है वेस्ट इंडीज. देखना दिलचस्प होगा. लुइस और गेल दोनों ही विस्फोटक बैट्समैन हैं, लेकिन लोगों को बड़ी हसरत है कि सुनील नारायण कहीं पारी की शुरुआत करें तो क्या मजे की बात है. But it will be more entertaining for India if they can pick up a wicket in the first 2 overs or so. This time using his feet and taking the aerial route,
a smile on the faces of all the Indian supporters in the stadium, and definitely on the supporters of All India Radio listening to this live and exclusive broadcast. A sixer. That was a welcome sixer, Vinny. निश्चित ही ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर से एक संतुलन बनाने के लिए एक घुटना जमीन में टेकते हुए गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से दर्शक दीर्घाओं में शानदार छक्का 92 मीटर्स पिक सिक्स फ्रॉम जडेजा 179 फॉर सिक्स फोर मोर डिलीवरीज टू गो दिस टाइम वंस अगेन फाइंड्स द गैप अ वॉइसिफरस अपील फॉर ए लेग बिफोर डिसीजन वी विल हैव टू वेट फॉर द अंपायर डिसीजन इट्स लेग बाइज द इंडियंस विल टेक इट in any form or every form at pound rate. So 10 runs of two deliveries. So what was expected to be a good over for Williams, it's turned out to be a good over for Andy. Williams just trimmed down in his running lanes in the final over. Probably when you try something extra, stick to your talent, and this time taking the aerial route. In the earlier occasions, Williams was able to pick up two important wickets at crucial junctures. And but here in the final over, slightly wavery in line and length. Jadeja picks him a single of their delivery, and so far it's been a good over for India. 12 runs of four deliveries, two more deliveries to go. Will Ashwin get a boundary in this innings? His highest has been 31 in a T20 encounter. Jadeja 13 of 8, Williams 2 for 36, two more deliveries to go. 184 for 6. Even if you hit two sixes, the Indians will not cross 200. There need to be a free hit somewhere or the other. But then, it's not been a good finish by India from the context, the way they started off. 184 for 6. But will this total be enough? And here it is. Ashwin finally finds the gap. The ball is crossing close to the boundary line, but fielded well in the deep. Will have to remain content with a comfortable couple. So two more runs to the Indian kitty. 186 for 6. And the last ball of this over. Williams 2 for 30. कितनी बढ़िया स्लोअर बॉल्स कर रहे हैं विलियम्स. चकमा देते हैं, एक धीमी ही गेंद को कई तरह से कर लेते हैं और बैट्समैन पहचान नहीं पाता और धीमी गेंद का फायदा भी नहीं उठाता. लास्ट बॉल ऑफ द 20th ओवर, जडेजा 13 ऑफ 8, रविचंद्रन अश्विन 7 ऑफ 6. ऑलमोस्ट अ फुल टॉस, हिट्स इट ऑल अलोंग द ग्राउंड. विल द बॉल क्रॉस ओवर द बाउंड्री? यस इट इज. The ball crosses over the boundary, so it's been a good finish by India in the final over. A good over from the Indian perspective.